ऑक्सीजन संकट बरकरार है, नतीजों में सब कुछ अस्त व्यस्त है, अस्पताल हाथ खड़े कर रहे हैं तो मरीजों के परिजन भी गुस्सा है। ऑक्सीजन संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सांस की आस। दिल्ली के एक अस्पताल में एक महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया। 67 वर्षीय महिला की अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में मौत हो गई थी। बेड की कमी होने की वजह से महिला को आईसीयू में शिफ्ट करने में देरी हो गई थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ लोगों की भीड़ अस्पताल परिसर में हमला करते हुए दिख रही है। कुछ लोग हमला करने वाले लोगों को पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने वालों का अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाजिर न होने के बाद ये नोटिस जारी हुआ है। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि हमें आश्चर्य है कि इस संबंध में दिल्ली सरकार के आदेश पर सिलेंडर रिफिलरों ने ध्यान नहीं दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जजों के लिए 5-स्टार होटल में 100 बेडों की सुविधा कभी नहीं मांगी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों के लिए अशोक होटल के कमरों के मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि हमने मीडिया में खबरों को पढ़ा है, हमने कोई भी आग्रह नहीं किया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप कल्पना कीजिए कि हम कैसे कह सकते हैं लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहे और हम आपसे लग्जरी होटल में बेड मांग रहे हैं। मीडिया गलत नहीं है, आपका ऑर्डर गलत है। भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है। WHO के महानिदेशक ने भारत में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को दिल दहला देने वाला बताते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कई ऑक्सीजन मशीनों समेत भारत में अहम सामग्री की आपूर्ति की है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर नहीं सुनामी जैसी हालात है, लाशों से शमशान भरे पड़े हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 3,999 केस आए हैं, लेकिन मुंबई में लगातार कम हो रही मरीजों की संख्या पर सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि मुंबई में केस कम आने की असली वजह कम टेस्टिंग है। एक दिन पहले भी मुंबई में सिर्फ 3,876 मरीज ही मिले थे। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे भयावह स्थिति है। गाजियाबाद के रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में एक MBBS डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 70 रेमडेसिविर और 2 एक्टेमेरा इंजेक्शन बरामद हुआ है। गिरफ्तार डॉक्टर एम्स में भी रह चुका है। इंजेक्शन की कालाबाजारी कर कमाए गए 36 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। दिल्ली में शवों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गीता कॉलोनी शमशान घाट का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब ये शमशान घाट अपने आसपास की भूमि का प्रयोग भी शव दहन के लिए कर सकेगा। गीता कॉलोनी शमशान में नॉन कोविड शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर करकडूमा सीमापुरी शमशान घाट में कोविड वाले शवों के अंतिम संस्कार की वजह से गीता कॉलोनी में दबाव बढ़ गया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा ने पंजाब का कोई भी ऑक्सीजन का ट्रक नहीं रोका है। विज ने कहा है कि उन्होंने खुद अंबाला के पुलिस अधीक्षक से बात की है और उन्हें जानकारी दी गई है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। विज ने कहा कि बिना सोचे समझे पंजाब के मंत्री इस तरह के बयान ना दें। मेरठ के KMC अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना पर जबरदस्त हंगामा हुआ। अस्पताल प्रबंधन ने जैसे ही कोविड पेशेंट्स के तीमारदारों को माइक पर ऑक्सीजन गैस खत्म होने की सूचना दी और मरीजों को अन्य अस्पताल में भर्ती करवाने को कहा, अस्पताल में हड़कंप मच गया। हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित करीब 160 मरीज अपना इलाज करवा रहे थे, इनमें से करीब 100 मरीज ऑक्सीजन के सहारे रखे गए थे। सूचना मिलते ही CMO अस्पताल पहुंचे और ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।